नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे चतुर्मास के बारे में। चतुर्मास आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी देवशयनी एकादशी प्रारंभ होके कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी देव उठनी एकादशी तक रहता है। चतुर्मास में हमें कई शुभ काम होते हैं, वो हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन चार महीनों में श्री हरि विष्णु जी हैं वो क्षीर सागर में शयन करने के लिए चले जाते हैं और सभी शुभ कार्य ठप हो जाते हैं। इसलिए इन चतुर्मासों में हमें कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, जैसे शादी विवाह, गृह प्रवेश आदि। चतुर्मास में चार महीने होते हैं, सावन, भादो, अश्विन और कार्तिक का महीना। हमें इसमें बहुत सारे नियमों का पालन करना होता है चतुर्मास में, और व्रत भी रखा जाता है। अगर आप व्रत नहीं रखते तो कम से कम नियमों का पालन तो जरूर करें, जैसे कि ब्रह्मचर्य का पालन करें, बेड पे ना सोएं, जमीन पर सोएं, और सावन के महीने में हरी सब्जियों का त्याग कर दें, और भादों के महीने में दही का त्याग कर दे। खाली पंचामृत आप ले सकते हैं, पंचामृत में जो दही होता है जन्माष्टमी पे लिया जाता है, और अश्विन के महीने में आप दूध का त्याग कर दे, और कार्तिक के महीने में आप घी का त्याग कर दे। इस प्रकार से आपको कुछ चीज़ों का त्याग करना होता है, और व्रत रखते हैं तो उद्यापन के समय इन सभी चीज़ों का दान दे दे। और धरती के पालनहार श्री हरि विष्णु जी क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं, तो धरती का कार्यभार सभी शिव जी संभालते हैं। इसलिए सावन का सबसे पहला महीना होता है चतुर्मास में। अब हम बात करेंगे 2021 में चतुर्मास कब से कब तक है, कब प्रारंभ हो रहा है और कब समाप्त हो रहा है। चतुर्मास 21 जुलाई से 16 नवंबर तक रहेगा। इन चार महीनों में आपको छोटे छोटे से नियम को अपनाना होगा और व्रत भी रख सकते हैं। वैसे जो व्रत रखते हैं उन्हें एक बार भोजन करना होता है, और वो भी सात्विक, शुद्ध सात्विक भोजन करना होता है। चतुर्मास में जो हमारे श्री हरि विष्णु जी है वो योग निद्रा में सोने के लिए पाताल लोक में चले जाते हैं। इसलिए जो आसुरी शक्ति है उनका जो अभाव होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए हमें कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए चतुर्मास में। हमें चतुर्मास में पूजा, जप, तप अधिक से अधिक करना चाहिए। आप चाहे तो भगवद गीता, शिव पुराण और रामायण, रामचरित मानस का पाठ भी कर सकते हैं। चतुर्मास में हमें जितना पूजा पाठ करना है उतना ही कम होता है। हमें चतुर्मास में सभी शुभ काम को ठप कर देना चाहिए तथा पूजा पाठ, जप तप करना चाहिए। अधिक से अधिक हमें जप तप करना चाहिए ताकि हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो। चतुर्मास में हमें इन्हीं सब नियमों का पालन करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, और आप सभी को जय माता दी।